वेलकम बैक टू माई चैनल ट्रैवल विद दिव्या। सो काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, पता है, आई हैव बीन मेकिंग वीडियोज, तो आई एम बैक विद अनदर गुड शॉर्ट लॉन्ग वीडियो। अगेन इट इज़ अ ट्रैवल वीडियो फॉर श्योर। आई वॉज ट्रैवलिंग टू साउथ इंडिया, टू केरला बेसिकली। सो मैंने केरला के दो प्लेसेस कवर किए थे रिसेंटली, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी सेकेंड प्लेस के लिए। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट प्लेस where I went, which was Varkala. It is also called as mini Goa, or amazing place hai, very similar to Goa, though I haven't been to Goa, but jitni bhi cheeze, jis cheez ke liye log Goa jaate hain, you can find that there with minimum number of people. Wahan zyada crowded nahi hai, aur bhi kuch amazing places hai apart from Goa, matlab apart from beaches as well, so you can visit those places as well. First we'll start with travel. So I traveled through train from Delhi to Varkala. It was a very long journey, or the name of the station is Varkala Savai Giri. So aapko jab train wahan pahunchayegi to Varkala jo place hai, which is actually meant for outsiders and tourists, and jo spot hai jahan pe log jaate hain, jana pasand karte hain, wo wahan se थोड़ा दूर है, तो उसके लिए यू नीड टू टेक अ ऑटो। ऑटो विल चार्ज यू समथिंग अराउंड 200 to 250 रुपीज़, एंड दे आर वेरी जेन्युइन, दे विल टेक द जेन्युइन चार्जेस। अगर आपने अपना होटल ऑनलाइन बुकिंग कर रखी है तो आप अपने होटल वाले से भी चार्जेस पूछ सकते हो ऑटो के। कैब्स नहीं चलती हैं वहाँ पे, बहुत सारी ऑटोज आपको मिल जाएंगी, एंड यू कैन टेक अ ऑटो एंड रीच देयर। वहाँ पे जाके अपने होटल में चेक इन कर लो। सारे होटल्स, मोस्ट ऑफ द होटल्स, हॉस्टल्स और कैफेज, ऑल ऑफ देम आर सी फेसिंग, और पूरा बोहेमियन वाइब है, पूरा गोवा वाला फील है वहाँ पे। और वहाँ पे आपको होटल्स 500 to 1000 के रेंज में अच्छे नॉर्मल होटल्स मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हायर एंड्स में ऑब्वियसली और ज़्यादा अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, बट इस रेंज से आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, एंड दोज आर ऑल्सो प्रिटी गुड। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूम्स मिलेंगे, रूम्स के बाहर अच्छे खासे कैफ़े है, अच्छा नेचुरल व्यू है जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो, इवन इफ यू आर नॉट गोइंग टू द बीच। उसके अलावा क्लिफ है जो कि काफ़ी अमेजिंग है, एंड अगर आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम रील देखे होंगे तो उसमें काफ़ी बताते हैं कि वर्काला इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। इट इज़ एक्चुअली, वहाँ पर बहुत अमेजिंग बीचेस हैं और बहुत अच्छा व्यू है, बहुत चीज़ें हैं घूमने के लायक और देखने के लायक। यू कैन ऑल्सो विजिट बैक वाटर्स, हालांकि मैं पहले बैक वाटर्स जा चुकी थी एलएपी में, विच इज़ अगेन इन केरला, सो आई डिड वेंट देयर। दैट इज़ ऑल्सो 2-3 hours अवे फ्रॉम द स्पॉट ऑफ वर्काला जहाँ पे आपको जाना है बेसिकली। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे आप स्कीइंग और पैरासेलिंग, कुछ एक्टिविटीज़ है जो वहाँ पे बीचेस के साइड में होती रहती है, वो सब आप कर सकते हैं। बीच पे आप चिल कर सकते हैं मॉर्निंग टू इवनिंग, बहुत ही अच्छी वाइब्स आएगी वहाँ पे, बिकॉज क्राउड बहुत मिनिमम है, तो काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पे घूम के। यू कैन ईजिली स्पेंड योर 2 to 3 days ओवर देयर चिलिंग आउट इफ़ यू आर ऑन अ वेकेशन। इट्स अ अमेजिंग प्लेस फॉर अ पीसफुल वेकेशन। बहुत सारे कैफेज हैं, सी फेसिंग है, बिल्कुल लेट नाइट तक ओपन रहते हैं। वहाँ पे फूड थोड़ा कॉस्टली है, और वहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं, सिंस इट इज़ केरला, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, तो यू कैन चूज़ अ कैफ़े अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। और अगर आप बजट में खाना चाहते हैं कि मतलब ज़्यादा पैसे ना स्पेंड करें, मे बी एक टाइम, वन टाइम यू कैन विजिट अ कैफ़े, अदर टाइम इफ़ यू वॉन्ट टू हैव नॉर्मल फूड, और इफ़ यू आर वेजिटेरियन तो यू शुड श्योरली चेक द कैफेज बिफोर विजिटिंग दैम। मेन्यू सारे कैफ़े के डोर पे ही उनके मेन्यू लगे हुए हैं, तो यू कैन रीड द मेन्यू फ्रॉम देयर एंड देन यू कैन एंटर द कैफे। दैट इज़ अ गुड पॉइंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कुछ लोकल खाना खाना है, या फिर कुछ वेजिटेरियन खाना है, या फिर कुछ मतलब बिल्कुल ही नॉमिनल प्राइस में, यू डोंट वांट टू गो टू अ प्राइसियर एंड, तो आप वहाँ पे थोड़ा आपको वॉक करना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको मिल जाएगी नॉर्मल होटल्स जहाँ पे आप इडली, वड़ा, सांभर, डोसा, ये सब मिल जाता है। दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली सी व्यू, बट वो थोड़े सिटी के अंदर है। एक्चुअली ये प्लेस ना बिल्कुल सिटी के आउटर में है, बहुत ग्रीनरी है, बहुत अच्छा है,
और जो सिटी है वो इट इज़ नॉट मेंट फॉर टूरिस्ट, मतलब वहाँ पे कुछ ऐसे खासे घूमने की जगह नहीं है विद इन दी वर्काला सिटी. बट ये जो प्लेस है विच इज़ वर्काला सफेगिरी, वहाँ पे देर इज नथिंग एज यू कैन विजिट एज फार आई नो वट आई हैव सीन एंड वट आई हैव विजिटेड. बट ये एंड है बिल्कुल यहाँ पे टूरिस्ट के लिए. हालांकि आई ऑल्सो विजिटेड द सिटी, आई रोम अराउंड, बट कुछ टेम्पल्स है, यू कैन श्योरली विजिट द टेम्पल. बट उसके अलावा मोस्ट ऑफ द क्राउड या मोस्ट ऑफ द पीपल आर विजिटिंग देयर फॉर द क्लिफ व्यू बीच विच इज़ अमेजिंग. ब्लैक सैंड बीच है, नॉर्मल बीच है, वहाँ पे काफ़ी आपको फॉरेनर टूरिस्ट भी आप स्पॉट कर पाएंगे. और काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े बड़े होटल्स भी हैं बिल्कुल सी व्यू के साथ, और नॉर्मल प्राइस वाले होटल्स भी हैं उनके साथ भी सी व्यू अवेलेबल है. सो इट्स ऑल इन ऑल इट इज़ अ नाइस प्लेस एंड यू मस्ट विजिट देयर एंड एंजॉय दी वाइब्स. वेन वी टॉक अबाउट बजट, तो बजट कुछ ज़्यादा नहीं था. ट्रेन की चार्जेस दैट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आप स्लीपर चूज करते हैं या फिर आप थर्ड एसी या जो भी आप चूज करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन IRCTC. यू कैन चेक द रेलवे प्राइसेस अपार्ट फ्रॉम टिकट्स. मैं इधर के प्राइसेस बता देती हूँ. होटल के लिए अगर आप 700 to 800 एवरेज लेके चलते एक दिन का, तो 2 दिन के हो गए 1600, टिकट 2000 इन राउंड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप फूडिंग वहाँ पे करते हो तो आप एक दिन का 1000 ले लो फूडिंग का. एंड अदर एक्टिविटीज़ विल ऑल्सो इंक्लूड 1500 to 2000 चार्जेस है एक्टिविटीज़ के. वहाँ पे स्कीइंग क्लासेस भी होती है जो आप कर सकते हो. तो ओवरऑल 4000 to 5000 में यू कैन विजिट दैट प्लेस एंटायरली. और बहुत सारे फन एक्टिविटीज़ है करने को, बहुत कुछ है. यू कैन विजिट देयर एंड डू ऑल ऑफ दोज. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.